वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब? आप लोगों को मैं आज जो वीडियो ये बताना चाहती हूँ, ये डिप्रेशन पर बेस्ड है। मुझे लगता है कि शायद इस वीडियो को देखने के बाद आप में से जो जो भी इस टाइम डिप्रेशन से सफ़र कर रहे हैं या OCD से सफ़र कर रहे हैं, वो लोग इसे सुनने के बाद या देखने के बाद बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। मुझे ऐसा लगता है, मैं विश करती हूँ, मैं प्रे करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक हो जाओ। वैसे तो प्रेयर्स और विशेज ही बहुत ज़्यादा होती हैं, लेकिन फिर भी कभी कभी हम कहते हैं कि विशेज और प्रेयर्स से ज़्यादा हमें किसी चीज़ को अपने में ख़त्म करने के लिए अपने अंदर एक शक्ति पैदा करनी होती है या पावर्स पैदा करनी होती हैं। कान्हा जी ने ही कहा है अपनी गीता में कि अगर हम धर्म करते हैं तो हमें श्री कृष्ण भगवान से मांगना पड़ता है, लेकिन अगर हम कर्म करते हैं तो श्री कृष्ण भगवान को हमें स्वयं देना पड़ता है। अब आप लोग समझ ही गए होंगे कि मैं आप लोगों से क्या बोलना चाहती हूँ, कि अगर आप अच्छे काम करोगे तो आपको भगवान के सामने जाके मांगना पड़ेगा, लेकिन अगर आप कर्म करोगे अपनी बीमारी को दूर करने के लिए, खुद उठोगे, खुद उसके अगेंस्ट खड़े हो जाओगे, तो वो बिना सोचे समझे ऊपर बैठा हुआ आपका परमात्मा, आपका खुदा आपको उस बीमारी से छुटकारा दिला देगा। जो भी पेशेंट्स हैं, चाहे वो डिप्रेशन से रिलेटेड हैं एंड चाहे वो OCD से रिलेटेड हैं, मैं उन्हीं के लिए बोलना चाहती हूँ कि डिप्रेशन एक ऐसी डिसीजेज है जो मेडिसिन से तो बिल्कुल ठीक नहीं हो सकती। उसके लिए मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताना चाहती हूँ जिससे आई थिंक आपको इस वीडियो से हेल्प मिले। आपको ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों के साथ रहना चाहिए जिन लोगों के साथ आपको अच्छा लगता है रहना, और आप लोगों को उन लोगों के साथ नहीं रहना चाहिए जिन लोगों के साथ आप लोगों को नेगेटिव वेज मिलती हैं। आपको पॉजिटिव वेज वाले पीपल्स के साथ रहना चाहिए। पहले आपको पॉजिटिव थिंक करना चाहिए कि जो भी होगा अच्छा होगा। आपको सुबह उठते ही बहुत ज़्यादा तो नहीं, तो जितना आप कर सकते हो थोड़ा बहुत स्टार्टिंग से लेके मेडिटेशन करना चाहिए। कोई भी आप मेडिटेशन का म्यूज़िक लगा सकते हैं, उसे लगा कर रख दीजिए, उसके साथ आप अनुलोम विलोम कर सकते हैं, अनुलोम विलोम के साथ आप उसके साथ ध्यान कर सकते हैं, उसे एकांत में सुन सकते हैं, या फिर आप अपने ही घर पे या कहीं पर भी आप वॉकिंग के लिए जा सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग अपने, अगर देखा जाए तो आपको अपनी डाइट पे पूरा ध्यान देना चाहिए। जो डिप्रेशन है ये सिर्फ हमारी डाइट, जो हम खाना भी हमारा छूट जाता है इसमें, हमें ज़्यादा से ज़्यादा खाना खाना चाहिए। ना हो सके तो एक पूरे दिन में आपको पानी के कम 3 गिलास तो डेली पूरे भर के, 4-5 गिलास तो आपको डेली पूरे भर के पीने ही पीने चाहिए। और उसके साथ साथ आपको अपने खाने पे भी ध्यान देना चाहिए कि आप खा कैसा रहे हो। आपको फल, फ्रूट्स, एप्पल सब कुछ खाना चाहिए। और अगर अभी आप डिप्रेशन में हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि OCD में हो या किसी भी चीज़ में हो, तो आप जल्दी से जल्दी जो बाहर का खाना है, बाहर का खाना जैसे भी फास्ट फूड है, पिज़्ज़ा है, मोमोज हैं, चाउमिन है, इन सबको भी आपको छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ये आपको और ज़्यादा, जितनी भी तली हुई चीज़ें होती हैं ये आपको बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती हैं डिप्रेशन में। डिप्रेशन में जो चीज़ आपको उससे निकलने में हेल्प करेगी सबसे पहले, वो है आपकी पावर। और पावर को इनक्रीज करने के लिए आपको ये सब डाइट्स लेनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है आपके लिए डाइट्स लेना। जैसे मैं आपको बताना चाहती हूँ, जैसे आपको शायद मैं बता भी चुकी हूँ कि श्री कृष्ण भगवान ने अपनी भागवत कथा में लिखा, गीता भागवत गीता में लिखा है हमारे कुंज बिहारी जी ने, कि अगर कोई भी मनुष्य धर्म करता है तो उसे भगवान के सामने जाके मांगना पड़ता है, लेकिन अगर कोई भी मनुष्य कर्म करता है तो भगवान को स्वयं आके उसे देना होता है। अब तो आप समझ गए होंगे कि मैं क्या बोल रही हूँ, कि अगर आप अपने लिए लड़ोगे, अपने लिए खड़े हो जाओगे, बेड छोड़ दोगे और सोचोगे कि मुझे डिप्रेशन से बाहर निकलना है, OCD से बाहर निकलना है, उसके लिए मुझे वॉक करना है सुबह, मुझे सुबह योग ध्यान करना है, मेडिटेशन करनी है, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी अच्छी बातें सोचनी है, अच्छे अच्छे लोगों के साथ रहना है, जिनके साथ आप रहना चाहते हो उनके साथ आपको रहना है, OCD की तरफ आपको ज़्यादा नहीं सोचना है, या फिर डिप्रेशन में आपको ज़्यादा नहीं जाना है। सबसे ज़्यादा होता है जो लोग डिप्रेशन में जाते हैं उसकी सिर्फ एक ही वजह होती है, या OCD की सिर्फ एक वजह होती है, वो वजह होती है हमारे थॉट्स, और वो ही सर्कुलेट होता है, हमारे पूरे माइंड को कंट्रोल कर लेते हैं और हमारा माइंड इतनी प्रॉब्लम्स में आ जाता है कि हम उसके सिवाय कुछ और सोच ही नहीं पाते।
अगर आपको अपने माइंड को उस चीज़ से फ्री करना है उन थॉट से, तो उस चीज़ के लिए आपको विपश्यना करनी चाहिए। विपश्यना अगर मैं आपको बताऊँ तो वो ऐसे करो आप कि आप आइज क्लोज कर लीजिए अपनी और अपनी सांसों पे ध्यान दीजिए। आपने बस जो सांस आपकी आ रही है उसको देखना है एंड जो आपकी सांस जा रही है उसको देखना है। जस्ट लाइक एक्सहेल एंड इनहेल होता है, उसी तरह से आपने उसको देखना है कि मेरी सांस कैसे आ रही है और कैसे जा रही है। मैं बस यही प्रे करूंगी कि जब तक आप अपने लिए खड़े नहीं होंगे तब तक आप OCD और डिप्रेशन से नहीं निकल सकते। आप निकल सकते हो, आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है। नथिंग इज इम्पॉसिबल कहते हैं ना, नथिंग इज इम्पॉसिबल। इस संसार में, इस वर्ल्ड में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो हम नहीं कर सकते। और आप तो, आप जितने भी मेरी वीडियोज़ को देखते हो, मैं ये सोचती हूँ कि आप सब लोग, पूरा वर्ल्ड, कोई भी ऐसा नहीं है जो अपने में पावरफुल नहीं है। हर पर्सन अपने में पावरफुल है, यूनिक है। हर पर्सन की अपनी एबिलिटीज होती हैं, वो उनके अकॉर्डिंग अपने आप को अगेंस्ट किसी ना किसी, कोई भी बीमारी हो, चाहे डिप्रेशन हो, OCD हो, हर उससे लड़ लेते हैं, फाइट कर लेते हैं, क्योंकि उनकी अपनी यूनिक स्ट्रेंथ होती है। और आप तो इतने अच्छे हो, यूनिक स्ट्रेंथ है आपके पास, आपके पास इतनी ज़्यादा पावर्स दी हैं कि आपको मेडिटेशन पता है, योगा पता है, तो आप क्यों नहीं लड़ सकते इससे। आप बस अपनी डाइट पे ध्यान दीजिए, आपकी सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी, चाहे वो डिप्रेशन से रिलेटेड है, चाहे वो OCD से रिलेटेड है, या कोई भी प्रॉब्लम आपकी लाइफ में है, वो आपकी चली जाएगी। और मैं आप सब के लिए प्रे करती हूँ कि जल्दी से जल्दी आप लोग बिल्कुल अपनी OCD से और डिप्रेशन से ठीक हो जाएं, और जैसे एक नॉर्मल पर्सन की तरह आप लोग भी नॉर्मल लाइफ जीना शुरू कर देंगे उसके बाद। क्योंकि ये ज़्यादा प्रॉब्लम, मुझे पता है कि ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम लाती है लाइफ में, OCD एंड डिप्रेशन, बट डोंट वरी, जब तक आप अपने लिए डोंट वरी, हम आपके साथ हैं, लेकिन जब तक आप अपने लिए खुद खड़े नहीं होंगे तब तक हम भी आपके लिए नहीं कर पाएंगे। आपको अपने लिए खड़ा होना पड़ेगा। जिस दिन आप खड़े हो गए ना, उस दिन ये तो क्या बड़ी से बड़ी बीमारी भी भाग जाएगी। एंड थैंक्स टू एवरीवन कि आप लोग मेरे व्यू देखते हो वीडियोस, थैंक यू सो मच। अगर आपको अच्छा लगता है तो थैंक यू सो मच, मैं आपको और भी वीडियोस बना के दे सकती हूँ अच्छी अच्छी। मैं आपकी हेल्प करना चाहती हूँ, बस यही मेरा एक मोटिव है। अगर आपको मेरी वीडियोस से थोड़ी सी भी हेल्प मिलती है तो प्लीज़ मुझे बताना। एंड थैंक यू एंड बाय टू एवरीवन एंड टेक केयर योरसेल्फ। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।